चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। कबाल का बबाल इस समाजवादी पार्टी का कलंक है। आज केरान और कांदला का प्लांट बंद हुआ, मथुरा वृंदावन सज संवर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और खतौली विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक श्री विक्रम सिंह सैनी के समर्थन में श्रीमती राजकुमारी सैनी जी को समर्थन देने के लिए उपस्थित सभी भाइयों बहनों, मैं मुजफ्फरनगर की इस धरती को नमन करता हूं जिसमें एक ओर मां गंगा का आशीर्वाद मिलता है तो दूसरी ओर से मां यमुना का भी आशीर्वाद इस धरती को प्राप्त होता है। भाइयों बहनों, भागवत की धरती भी सुखतीर्थ इसी जनपद में पड़ता है और आप सब जानते हैं कि गंग नहर के माध्यम से खतौली विधानसभा क्षेत्र मां गंगा का आशीर्वाद प्राप्त करता है। इस धरती को कोटि कोटि नमन करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीमती राजकुमारी सैनी जी के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने के लिए चौधरी यशवीर सिंह जी ने, अभिषेक गुर्जर जी ने, श्री भोपाल सिंह गुर्जर जी ने और दो निर्दलीय प्रत्याशी श्री प्रदीप ठाकुर और श्री रविंद्र जी ने अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को दिया है। मैं इन सब का हृदय से स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं ये धरती धर्म की धरती है तो यह शांति का संदेश देती है, लेकिन जब धर्म पर संकट आता है इस धरती ने क्रांति का संदेश भी दिया है। कौन सा ऐसा कालखंड है जब इस धरती ने अपने संदेश को न दिया हो, चाहे वह महाराजा रणजीत सिंह की सेना में उनके प्रमुख सेनापति के रूप में चौधरी सजाद सिंह के योगदान का स्मरण करने का दिन हो, या फिर देश की आजादी की लड़ाई में प्रथम स्वातंत्र समर में श्री कोतवाल धन सिंह गुर्जर के नेतृत्व में लड़ी गई इस लड़ाई के अभियान को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम रहा हो, कभी भी यह क्षेत्र चूका नहीं, अपने मूल्यों अपने मापदंडों से डिगा नहीं, हिला नहीं और आज भी यहां का अन्नदाता किसान अपनी मेहनत से अपने पुरुषार्थ से गन्ने की मिठास को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करता है और यही तो कारण है कि एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल इसी खतौली विधानसभा क्षेत्र के माध्यम से दुनिया के अंदर मिठास फैलाती है। भाइयों बहनों, मैं तो आपसे एक बात कहने के लिए आया हूं, कबाल का बबाल इस समाजवादी पार्टी का कलंक है। ये सपा और उस समय की लोकदल पार्टी के संयुक्त गठबंधन सरकार की देन थी जो एक क्रूर अत्याचार हिंदू नौजवानों पर और यहां के नागरिकों पर करने की साजिश का हिस्सा था। निर्दोष सचिन और गौरव जिस तरीके से निर्मम और बर्बर अत्याचार के शिकार हुए थे, कौन इसको विस्मृत कर सकता है? और जिन लोगों ने सचिन और गौरव जैसे नौजवानों के साथ क्रूरता ढाई थी, उनके सिपा सालारों के साथ क्या हो रहा है आज हर व्यक्ति देख रहा है। और इसीलिए आप सबसे मैं कहने के लिए आया हूं, विक्रम सिंह सैनी अपने परिवार के लिए अपनी सदस्यता नहीं गवाए,
यहां के सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपनी सदस्यता गवाई, और मैं देख रहा था सदस्यता जाने के बाद भी उनके चेहरे पर कहीं कोई शिकन नहीं थी। उनको इस बात का एहसास था और उन्होंने पूरी मजबूती के साथ इस लड़ाई को लड़ी, बिना डिगे, बिना हिले, बिना झुके वो उस लड़ाई को लेकर के लड़ते रहे, कार्य करते रहे, और सदस्यता जाने के बाद भी कहीं पे कोई संकोच नहीं। उन्होंने कहा कि तो मैं जो मेरा कर्तव्य था उस कर्तव्य के लिए हमने किया, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने श्रीमती राजकुमारी सैनी जो मजबूती के साथ उनके साथ उस समय खड़ी रही, उनको फिर से प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच में उतारा है। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब कबाल का बवाल हो रहा था तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, महीनों कर्फ्यू था, लोगों को अपने घरों से प्लान करना पड़ा था, हजारों हिंदू नौजवानों को जेल के अंदर ठूंस दिया गया था, तब सपा के नेता तो नहीं आ सकते थे, लेकिन लोकदल के नेता कहां थे? आज पूछा जाना चाहिए इन लोगों से, तब लोकदल कहां था? तब तो ये पूछने नहीं आए थे। और भाइयों बहनों, हम लोगों ने मेहनत से प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को एक नजीर बनाया है। पहले यहां पर केराना और कांधाला से प्लान होता था, हर एक कस्बे में आकर के गुंडे जाकर के एक एक व्यापारी से गुंडा टैक्स वसूली करते थे, राह चलते हुए राहगीरों की हत्या करते थे, अन्नदाता किसान अपने खेतों में नहीं जा सकता था, बहन बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी और बहनें मार्केट में जाकर के घर के लिए आवश्यक सामग्री नहीं खरीद सकती थी। भाइयों बहनों, आज केरान और कांदला का प्लांट बंद हुआ, जो भागे हुए थे वे व्यापारी वापस आए हैं, आज फिर से केराना और कांदला में रौनक फिर से देखने को मिल रही है, बहन और बेटियां सुरक्षित हुई हैं, गुंडा टैक्स बंद हुआ है। और भाइयों बहनों, सपा और लोकदल की जोड़ी फिर से गुंडा टैक्स दिलवाना, गुंडा टैक्स को प्रारंभ करने की साजिश का हिस्सा बना हुआ है। किराना और कांदला जैसे प्लान के लिए फिर से साजिशें रच रहे हैं, फिर से वह चाहते हैं कि बेटियां और बहनें फिर से सड़क पे ना आने पाए, तालिबान जैसा शासन चाहते हैं। लेकिन आपको मैं ये गारंटी देने के लिए आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार किसी भी प्रकार के राजकतार गुंडागिर्दी को पनपने नहीं देगी, जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसको समझाने का कार्य भी करेंगे। और इसीलिए आज फिर मैं आपके बीच आया हूं, हमने विकास में कोई भेदभाव नहीं किया, भाइयों बहनों कोई भेदभाव नहीं किया, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ हर किसान अन्नदाता किसान को दी जा रही है। हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ हर गरीब को दी जा रही है, उसकी जाति, उसका मत, उसका मजहब, उसका क्षेत्र, उसका भाषा पूछ के नहीं, हर गरीब को दिया जा रहा है। हर कमजोर व्यक्ति के घर में शौचालय बनाया गया है, हर निराश्रित बुजुर्ग आदमी को वृद्धावस्था पेंशन का 12,000 रुपए सालाना की सुविधा दी जा रही है, हर निराश्रित महिला को भी 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ दिया जा रहा है, हम दिव्यांग जन को इस सुविधा का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है, विद्युत के कनेक्शन को सौभाग्य योजना के माध्यम से देने का कार्य हो या फिर उज्ज्वला योजना में रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध करवाने का कार्य, ये सभी को उपलब्ध करवाया गया। सबका साथ और सबके विकास का एक नारा विकास की योजनाओं में भी सार्थक होता दिखाई देता है। लेकिन भाइयों बहनों, सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं और आस्था के साथ भी किसी को खिलवाड़ करने की छूट नहीं है। हर व्यक्ति जानता था समाजवादी पार्टी की सरकार अराजकता की सरकार थी, सत्ता प्रायोजित अपराध थे, कावड़ यात्रा नहीं हो पाती थी,
2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मेरे सामने भी प्रस्ताव आया था कि साहब ये बवाल क्यों हम पाल रहे हैं। मैंने कहा भी क्या तुम्हें कावड़ यात्रा में ही बवाल दिखाई देता है क्या? कावड़ यात्रा होगी, हर हाल में होगी, सुरक्षा की गारंटी सरकार देगी। और मैं इसके लिए आदेश दे रहा हूं भाइयों बहनों, न केवल कावड़ यात्रा हम लोगों ने प्रारंभ कराई बल्कि गंग नहर को भी हम लोगों ने कावड़ रूट के रूप में आगे बढ़ाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। वन विभाग की कार्रवाई को पूरा करते ही गंग नहर की दोनों पटरियों को आवागमन के लिए भी और किसी भी प्रकार के अन्य पर्व और त्योहारों के समय कावड़ यात्रा के दौरान भी आने जाने के लिए निर्विघ्न यातायात हो सके, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कार्रवाई को तेजी से हम आगे बढ़ा रहे हैं। भाइयों बहनों, आस्था का सम्मान भाजपा करती है और अब तो कोई संदेह ही नहीं होना चाहिए जब से अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ है। अब भी कोई संदेह रह गया क्या? अब तो कोई संदेह नहीं होगा भाइयों बहनों, कोई संदेह रहना भी नीचे। काशी में काशी विश्वनाथ धाम बनकर के तैयार हो चुका है, मथुरा वृंदावन सज संवर रहे हैं, सुख तीर्थ के पुनरुद्धार की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। और भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पे अलीगढ़ में विश्वविद्यालय बनाने का काम भी डबल इंजन की सरकार कर रही है और मां शाकंभरी के नाम पर विश्वविद्यालय निर्माण का कार्य सहारनपुर में भी ये डबल इंजन की सरकार ही कर रही है। मेजर ध्यानचंद के नाम पे प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इसी मुजफ्फरनगर मेरठ बॉर्डर पर ये डबल इंजन की सरकार बना रही है। भाइयों बहनों, विकास हो या सुरक्षा, सम्मान हो या स्वावलंबन के साथ आगे बढ़ने का कार्य जब डबल इंजन की सरकार कर रही है तो फिर इन पेशेवर माफिया और अपराधियों को अपने बीच में मत घुसने दीजिए। याद रखना, आपको कथा याद होगी, आपको एक कथा याद होगी कि एक बिच्छू पानी में बह रहा था, एक साधु उसको निकाल करके बाहर बचाने का प्रयास कर रहा था, जैसे अपने हाथ से उठाता वो बिच्छू काट लेता। तब तक एक राहगीर ने उससे पूछा, कहा कि ये सब क्या कर रहे हैं आप? उसने कहा मैं इसको बचाना चाहता हूं लेकिन ये अपनी प्रवृत्ति से बाज नहीं आ रहा है। भाइयों बहनों, आदत जल्दी छूटती नहीं है। आप याद करिए, अगर हम शक्ति नहीं करते क्या हम शांति बना पाते, सुरक्षा दे पाते? किसी प्रकार की यहां पर हर व्यक्ति के सामने इतना बेहतर माहौल दे पाते? अन्नदाता किसान अपने खेतों में नहीं जा पाता था क्योंकि खेतों में जैसे वह जाता था तो भाइयों बहनों उससे पहले उसके खेत का सामान उठा लिया जाता था, कभी उसके ट्यूबवेल के कनेक्शन काट दिए जाते थे, कभी वहां मशीन चोरी कर ली जाती थी और कभी किसान की हत्या कर दी जाती थी। आज तो ऐसा नहीं है, आज तो सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण है। और मैंने तो पहले कह रखा है, अपराधी जिस प्रकार की भाषा, माफिया जिस प्रकार की भाषा में समझेगा उस भाषा में उसको समझाने का कार्य करो, लेकिन आम जनता की सुरक्षा में सेंध लगाने की छूट किसी को मत दो। और मैं आज एक बार फिर से आपसे कहने के लिए आया हूं भाइयों बहनों, विकास डबल इंजन की सरकार जितना कर रही है 50 वर्ष में उतना विकास नहीं हुआ होगा, उतना विकास हम लोग कराएंगे हर एक जगह का। आजादी के बाद जितनी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया होगा उतनी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के, बिना चेहरे देखे हुए हर नागरिक को और हर परिवार को उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। लेकिन भाइयों बहनों, हमारा संकल्प भी है कि सबका साथ और सबका विकास का है, विकास सबका, सुरक्षा सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। तुष्टीकरण के मार्ग पर चल करके हम लोग राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। और भाइयों बहनों, जब हमारा देश सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित हैं।
मुजफ्फरनगर सुरक्षित है तो उत्तर प्रदेश सुरक्षित है। और भाइयों बहनों, उसी संकल्प के साथ हम लोग आज कार्य करने के लिए आपके बीच आए हैं। विक्रम सैनी ने अपनी सदस्यता यहां के स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा करने के लिए खोई। राजनीतिक मुकदमा था, उस राजनीतिक मुकदमे में उनको अनावश्यक रूप से तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार ने मोहरा बना करके टारगेट करके उनके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज किए थे। समाजवादी पार्टी का एक दोहरा चरित्र आपके सामने है। एक तरफ मुजफ्फरनगर के जो पेशेवर दंगाई थे उनको प्रश्रय देने का कार्य कर रही थी, और लोकदल दाल में तड़का का काम कर रही थी। उस समय भी लोकदल कहीं आपकी सुरक्षा के लिए नहीं आया था, हालचाल लेने के लिए नहीं आए थे, उनको फुर्सत ही नहीं थी। और भाइयों बहनों, हम सब जब किसानों का मसीहा की बात करते हैं तो चौधरी चरण सिंह जी का स्मरण करते हैं। याद रखना, राजनीति में चौधरी साहब हमेशा अपराधियों का विरोध करते थे कि कोई अपराधी और माफिया राजनीति में नहीं आना चाहिए। ये सब क्या हो रहा है इस समय? ये चौधरी साहब के नाम पे राजनीति करेंगे और पेशेवर माफिया और अपराधियों को प्रश्रय दे करके आम जनता का शोषण करने देंगे? ये स्वीकार नहीं हो सकता है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। विकास बिना भेदभाव की हो रहा है, धड़ल्ले से हो रहा है, मजबूती के साथ हो रहा है। विकास के नाम पर पैसे की भी कोई कमी नहीं, सरकार की नियत साफ है और सरकार अपनी उस नेक नियति के साथ कार्य करते हुए आज आपके बीच में आई है। मेरी आप सबसे अपील होगी, मुझे जो रिपोर्ट मिल रही है उस रिपोर्ट में और आज यहां पर जो हमें निर्दल प्रत्याशियों ने भी अपना समर्थन दिया, अभिषेक चौधरी पहले ही उन्होंने अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को दे दिया था, और उसके बाद आज यहां पर जिस तरीके से निर्दल प्रत्याशियों ने, श्री रविंद्र जी ने और श्री प्रदीप ठाकुर जी ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में आज अपना समर्थन घोषित किया है, मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, विक्रम सैनी अपनी बात को जो कह रहे थे उन्होंने बहुत मजबूती के साथ कहा। उन्होंने कहा, साहब अगर मेरी सदस्यता बीच में गई तो मैं तो आया ही था फरवरी प्रथम सप्ताह में यहां विक्रम सैनी के प्रचार में, और यहीं पे मैंने सभा की थी तब, और यहीं पे सभा करने के लिए मैं आया था। भाइयों बहनों, इससे पहले कि वह विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाते उनकी सदस्यता समाप्त हुई, और इसलिए उन्होंने कहा कि अब एक अच्छा अवसर है खतौली विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं के लिए कि 12 और 17 और 22 को प्लस करके जितना होता है उसको ब्याज सहित जोड़ करके उतने वोटों से श्रीमती राजकुमारी सैनी को विजयी बनाने के लिए आप सबकी जिम्मेदारी बनती है। आप सभी लोग चाहेंगे श्रीमती विक्रम सैनी, श्री राजकुमार सैनी, राजकुमारी सैनी उतने वोटों से चुनाव जीत करके जाएगी, और बहुत मजबूत महिला है वो। कवाल के बवाल के समय जब विक्रम सैनी जेल के अंदर बंद कर दिए गए थे तो भाइयों बहनों अकेले लड़ रही थी मजबूती के साथ। प्रधान वो थी लेकिन अपने पति के लिए कहती थी कि प्रधान जी जेल में है, और मजबूती के साथ उनके साथ खड़ी रही, मूल्यों और मुद्दों के साथ भटकी नहीं, उससे डिगी नहीं, हटी नहीं, कार्य करते रही, अपनी गृहस्थी को भी चलाती रही, अपने गांव को भी आगे बढ़ाती रही। और उस समय की तानाशाही सरकार की क्रूरता के खिलाफ भी लड़ती रही। और भाइयों बहनों, आज उनको अवसर मिला है आपके बीच में, भारतीय जनता पार्टी ने आपके बीच में उन्हें प्रत्याशी के रूप में उतारा है। मैं तो केवल आपसे ही कहने के लिए आया हूं, मेरी इच्छा थी बीच में आने की, मैं सहारनपुर और शामली गया भी था, मुजफ्फरनगर का दौरा मेरा बाकी रह गया था। मैंने श्री संजीव बालीवान जी को और उमेश मलिक जी को, इन सबको मैंने कहा था, मैंने कहा मुझे मुजफ्फरनगर आना है एक दिन,
मुजफ्फरनगर आकर के यहां की विकास की योजनाओं को गति देने के लिए, जब इससे पहले कि हम लोग कुछ कर पाते, उपचुनाव की फिर से धमक आ गई। और भाइयों बहनों, इस उपचुनाव में इससे पहले कि हम कुछ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते, ये फिर से हमें चुनाव के इस मैदान में आपके बीच में आना पड़ रहा है। मैं आज के इस अवसर पर आप सबसे अपील करूंगा, 5 दिसंबर को चुनाव है। यह संभव नहीं होता है किसी प्रत्याशी के लिए कि नामांकन के बाद 14 दिन के अंदर घर घर जाकर के मतदान करने के लिए लोगों को प्रेरित कर सके। और दूसरा, उपचुनाव में लोगों के मन में रुझान कुछ कम दिखाई देता है। मेरी आप सबसे अपील होगी कि श्रीमती राजकुमारी सैनी के प्रतिनिधि के रूप में, श्रीमती राजकुमारी सैनी बहने स्वयं राजकुमारी सैनी बन करके घर घर जाकर के हर मतदाता को कहने के लिए कि सचिन और गौरव जैसे शहीदों की स्मृतियों को बनाए रखने के लिए और आने वाले समय में किसी नौजवान को अपना बलिदान न देना पड़े, इस दृष्टि से हम सब श्रीमती राजकुमारी सैनी को विजयी बनाने के लिए मतदान अवश्य करें, मतदान अवश्य करें। और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के फूल पर भारी बहुमत से विजयी बना करके यहां के उन शहीदों के गौरव की रक्षा भी करनी है, और साथ साथ राजनीति का प्राधिकरण न होने पाए, अपराधियों का राजनीति में प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित होना ही चाहिए, यह भी संकल्प हम सबका होना चाहिए। भाइयों बहनों, ये पेशेवर माफिया और अपराधी अगर राजनीति में हावी होंगे तो याद रखना कि ये लोग आम नागरिक का और व्यापारियों का जीना हराम कर देंगे, व्यवस्था को पूरी तरह माफियाकरण कर देंगे। ये लोग सपा शासन काल में जिस प्रकार की नंगा नाच करते थे, नग्न तांडव करते थे, उस प्रकार के कृत्य करने लग जाएंगे। हर हाल में इनको रोकना है, किसी भी स्थिति में इनको आगे नहीं बढ़ने देना है, एक संकल्प हम सबका होना चाहिए। और बाकी आप हिम्मत से काम लीजिए, बाकी जो कुछ बचा होगा वो हमारा बुलडोजर पूरा कर देगा। मैंने पिछली बार भी कहा था ना कि जो उस समय कुछ लोगों में अप्रैल में ही गर्मी चढ़ रही थी, तो मैंने कहा आने दीजिए 10 मार्च की तिथि को, 10 मार्च के बाद इस सारी गर्मी अपने आप शांति में बदल जाएगी, कश्मीर जैसी ठंडी ला देगी। और भाइयों बहनों, मैं एक बार फिर कहने के लिए आया हूं, हमें उत्तर प्रदेश की राजनीति का अपराधीकरण नहीं होने देना है, उत्तर प्रदेश में अपराधियों का राजनीतिकरण भी नहीं करने देना है, उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों की सुरक्षा में किसी को सेंध नहीं लगाने देना है, विकास के बैरियर को हर हाल में हटाना है, अन्नदाता किसानों के सम्मान की रक्षा भी करनी है, और हर व्यापारी को और हर नागरिक को सुरक्षा की गारंटी भी देनी है। और इस देश से मैं एक बार फिर से आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी ने श्रीमती राजकुमारी सैनी को अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच में उतारा है। भाइयों बहनों, श्रीमती राजकुमारी सैनी भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में काम की है, विपरीत परिस्थितियों में जूझते हुए उन्होंने यहां पे कार्य किया है, और आज फिर से आपके बीच में एक प्रत्याशी के रूप में अब आपके बीच में है। आप सबसे मेरी अपील होगी, कमल चुनाव चिन्ह पर एक एक घर में जाकर के भारी पैमाने पे मतदान करिए, और जीत के रिकॉर्ड को तोड़ करके श्रीमती राजकुमारी सैनी को भारी बहुमत से विजयी बनाकर के लखनऊ भेजिए, विकास की बारी हमारी फिर होगी, और यहां पर फिर से हम लोग आएंगे विकास के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए। यही अपील करते हुए आप सबसे मेरी अपील होगी कि 5 दिसंबर को श्रीमती राजकुमार सैनी को कमल चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय श्री राम। जहां तक मेरी आवाज जा रही है श्रीमती राजकुमारी सैनी के समर्थन में, संकल्प के साथ मेरे साथ बोलेंगे।